जय श्री राम। कैसे हो सर? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है एसकेटी फैंटेसी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल वुमेन वर्सेस गुजरात जेंट्स वुमेन के बीच में खेले जाने वाला वुमेन्स आईपीएल का 20th T20 मैच के बारे में। अगर टाइमिंग की बात किया जाए भाई, ये जो मैच आपको 7:30 बजे शाम को खेला जाएंगे और डेट भी देख सकते हो भाई। वेन्यू की बात किया जाए तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली इंडिया में होंगे। तो इस मैच में अगर मैं बात करूं तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं भाई। पिच रिपोर्ट, टीम फॉर्म, हेड टू हेड, पॉइंट्स टेबल और उसके बाद प्लेइंग 11 क्या रहने वाले हैं, स्टैट्स क्या रहेगा भाई, प्लेइंग 11 और स्टैट्स क्या रहने वाले, की प्लेयर्स पे किसको लेना चाहिए और यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस के साथ साथ भाई यहाँ पर आपको मैं सारा इन्फॉर्मेशन, टीम फॉर्म भी यहाँ पर शेयर करूंगा। तो ए टू जेड सारे अपडेट्स आपको इसी वीडियो पे मिलेगा भाई। डेथ ओवर्स पे बॉलिंग भी कौन करने वाला है, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देखना है भाई, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और पहले बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ साथ घंटी वाला आइकॉन को भी क्लिक करना। और यहाँ पर फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स के लिए भाई आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे चुका हूँ भाई और इसके साथ साथ कॉमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। एक और बात है भाई, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पर जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना @, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा यूट्यूब का चैनल नाम है भाई एसकेटी फैंटेसी, आप इस प्रकार जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे तो हमारे चैनल शो हो जाएगा भाई, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अभी हम बात करते हैं भाई पिच रिपोर्ट। तो इस ग्राउंड पे पूरे 6 मैच खेले गए। पहला बैटिंग करने वाली टीम 5 बार और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 1 बार जीते हैं। टाई 1 बार भी नहीं हुआ भाई। हाईएस्ट स्कोर गुजरात जेंट्स वुमेन्स बना 199 रन 5 विकेट। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दिल्ली वुमेन की भाई 137 रन ऑल आउट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज यहाँ पर काफी अच्छे इन्फॉर्मेशन मिला भाई। सेकंड पहला बैटिंग करने वाली टीम इस वेन्यू पे 5 बार जीते। तो यहाँ पर आपको आंख बंद करके भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कल जो मैच होगा उसमें टॉस जरूर क्रूशियल रहेगा। जो भी टीम कल टॉस जीतेगा भाई पहला बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा। और यहाँ पर गुजरात जेंट्स के पास अभी भी मौका है। आज के मैच में अगर बेंगलुरु हार जाते हैं तो गुजरात जेंट्स को मौका रहेगा। अगर गुजरात जेंट्स अगर क्वालिफाई होना भाई तो बेंगलुरु को हारना पड़ेगा। अगर बेंगलुरु जीत जाते हैं भाई तो आप समझ लीजिएगा गुजरात यहाँ पर वुमेन्स आईपीएल से बाहर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। लेकिन लास्ट मैच में भाई काफी कुछ अच्छा देखने के लिए मिला गुजरात जेंट्स से। शबनम साकिल ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए, काफी अच्छे विकेट्स लिए, तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था भाई। लेकिन यहाँ पर आपको इस वीडियो में मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप वीडियो को पूरे एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं भाई 150 के नीचे स्कोर इस ग्राउंड पे कितने बार बने। तो भाई 1 बार बने, 150 से 170 1 बार, 170 प्लस 190 यहाँ पर 1 बार बने भाई और 190 प्लस स्कोर यहाँ पर 3 बार। फेस बॉलर्स ने लास्ट 5 T20 में 21 विकेट, स्पिन बॉलर्स ने 40 विकेट। तो यहाँ पर 19 विकेट्स का डिफरेंस है भाई यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पिनर्स को किस तरह मदद मिल रहे हैं। लेकिन 190 प्लस स्कोर यहाँ पर 3 बार ज्यादा बन चुके हैं भाई। एबो स्कोर 190 3 बार बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप जानना है भाई यहाँ पर क्या स्कोर बनने वाला है। तो आप यहाँ पर लिख के रख लीजिएगा 150 प्लस तो स्कोर यहाँ पर जरूर है। आप एक बात याद रखिएगा भाई, तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है बैट्समैन भी काफी अच्छे यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो बैट्समैन पे मैं जरूर फोकस करूंगा भाई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे दिल्ली वुमेन की प्लेइंग 11 क्या रहने वाले हैं। तो दिल्ली वुमेन की प्लेइंग 11 पे अगर मैं बात करूं तो मैगलैनिंग और यहाँ पर शेफाली वर्मा ओपनिंग पे आते हैं भाई। इनकी दोनों की परफॉर्मेंस पे बात करूं, मैगलैनिंग लीड रन स्कोरर है भाई, हर मैच में 60 और 53 रन है। और शेफाली वर्मा भी काफी अच्छे खेल रहे हैं, 28 रन 15 रन 23 रन, लेकिन बड़ा स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पा रही। जेमिमा रोड्रिग्वेस यहाँ पर लास्ट 3 T20 मैचेस में 2 अर्धशतक है भाई, 58 और 69 रन बना चुके, 1 मैच में 17 रन है। तो ये प्लेयर, ये जो तीनों प्लेयर है भाई, इन तीनों प्लेयर को यहाँ पर मैं जरूर कंफर्म करूंगा। एलाइस कैप्सी भी काफी अच्छे खेल रही है भाई यहाँ पर, बॉलिंग भी पार्ट टाइम कर रही है, 2 विकेट ले चुकी है भाई यहाँ पर, 1 मैच में गेंदबाजी नहीं की, लास्ट मैच में 48 रन 1 विकेट है। मारिजोनी काफ है भाई, 12 रन 1 विकेट 11 रन 2 विकेट 32 रन 2 विकेट है। तो यहाँ पर हर मैच में विकेट ले रही है। तो यहाँ पर ये पांचों प्लेयर काफी अच्छा है। और जेस जॉनसन यहाँ पर 1 मैच में 4 रन 3 विकेट है। तो यहाँ पर इनके लास्ट 2 मैच अच्छा नहीं चला, ये प्लेयर को भी आप ले सकते हो। राधा यादव है भाई यहाँ पर, लास्ट 2 मैच में यहाँ पर देखा जाए तो इनके नाम पर 3 विकेट है, लेकिन 3 मैच में 3 विकेट है भाई यहाँ पर। अरुंधति रेड्डी यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर 3 मैच में इनके नाम पर 2 विकेट है अरुंधति रेड्डी का। तो यहाँ पर शिखा पांडे यहाँ पर हर मैच में 1-1 विकेट ले रही है, 3 मैच में 3 विकेट है भाई यहाँ पर। तानिया भाटिया अवॉइड कीजिएगा। और टाइटस साधु की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 मैच में यहाँ पर इनके नाम पे भी 3 विकेट है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा प्लेयर, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो पहला 3 बल्लेबाज है भाई, इन तीनों को कन्फर्म कीजिएगा, जेस जॉनसन, राधा यादव। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शिखा पांडे को आप टीम पर ले सकते हो। तो इस प्रकार रहेगा भाई दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। लेकिन अभी आपको मैं बताने वाला हूँ भाई यहाँ पर मैं
गुजरात जायंट्स वुमेन टीम की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लारा ओल्वर्डट यहाँ पर दोनों मैच में काफी अच्छे खेले, 76 रन, 43 रन, एक मैच में 13 रन पे बनाए, लेकिन यहाँ पर बल्क रन बना रही है भाई, तो यहाँ पर इसको कंफर्म कीजिएगा। बैटमो ने यहाँ पर सेकंड लीड रन स्कोरर है भाई, तीनों मैच में यहाँ पर 3 अर्धशतक है, तो इस प्लेयर को भी यहाँ पर मैं कंफर्म करता हूँ। दयालन हेमलता एक मैच में 74 रन है, लेकिन एक दोनों मैच में यहाँ पर 0 और 1 रन है, तो ये प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो रिस्की पिक पे मैं रखूंगा। पॉयबी लिचफील्ड यहाँ पर तीनों मैच फ्लॉप रही है, लेकिन काफी खतरनाक प्लेयर है, तो ये प्लेयर को आप ग्रैंड लीग पे ट्राई कीजिएगा। और एशली गार्डनर से भी यही प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर रन नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 मैच में 4 विकेट है, लेकिन रन यहाँ पर नहीं बन रहा, तो ये प्लेयर भी आपको ग्रैंड लीग के लिए अच्छा है, लेकिन स्मॉल लीग में भी मैं ट्राई करूंगा। फुल माली अगर मैं बात करूँ 21 और 7 और 1 रन है, तो इस प्लेयर को मैं कैंसिल करूंगा। कैटरिन ब्रेसी 1 विकेट है, 7 रन 0 विकेट 1 विकेट है, तो ये प्लेयर को भी मैं कैंसिल करने वाला हूँ। तनुजा कन्वर यहाँ पर 1 विकेट और 1 विकेट 2 विकेट है भाई, तो यहाँ पर तनुजा कन्वर से थोड़ा ज्यादा उम्मीद है भाई यहाँ पर, तो ये प्लेयर को खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर सबनम मोहम्मद साकिल यहाँ पर 3 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट है, तो लास्ट मैच में फेस बॉलिंग मौका मिला भाई, तो प्रूव किए, तो इस प्लेयर को आप कन्फर्म कर लेना। और मेघना सिंह यहाँ पर देखा जाए तो तीनों मैच में कोई विकेट नहीं है, लेकिन डेथ ओवर्स पे बॉलिंग करती है भाई, तो ये प्लेयर को आप ट्राई कीजिएगा। मन्नत कश्यप यहाँ पर 3 मैच में 1 ही विकेट है भाई, तो एक बड़ा उम्मीद था लेकिन कर नहीं पा रही है, लेकिन इस मैच में आपको कौन कौन सा प्लेयर अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर लारा ओल्वर्डट बैटमोनी और यहाँ पर दयालन हेमलता, ये रिस्की पिक रहेगा। द लारा ओल्वर्डट बैटमोनी और पोएबी लिचफील्ड है भाई यहाँ पर, ये तीनों के साथ साथ यहाँ पर एशली गार्डनर, कैटरिन ब्रेसी और यहाँ पर मोहम्मद साकिब, ये जो 5 प्लेयर्स है भाई, ये 5 प्लेयर को आप टीम पे जरूर रखेगा, क्योंकि ये 5 प्लेयर आपको मैच जिता के जरूर देने वाले हैं भाई। तो इस प्रकार रहेगा यहाँ पर गुजरात जायंट्स वुमेन की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर हमने दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख ली है भाई, और अभी हम बात करेंगे और क्या रहने वाला इन्फॉर्मेशन। तो हेड टू हेड की अगर मैं बात करता हूँ भाई, तो यहाँ पर 3 बार हुआ हेड टू हेड, दिल्ली वुमेन दोनों बार जीते हैं और 1 बार गुजरात जायंट्स वुमेन जीते हैं भाई, तो यहाँ पर 1 बार और अगर गुजरात जीत जाते हैं भाई तो 2 इक्वल हो जाएगा भाई यहाँ पर, लेकिन अभी भी ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात अगर ये मैच जीतते हैं और बेंगलुरु हार जाते हैं भाई, तो सीधा प्लेऑफ पे क्वार्टर फाइनल फाइनल से खेलने वाले हैं भाई यहाँ पर। तो अगर दिल्ली वुमेन की मैं बात करूँ, यहाँ पर लास्ट 5 मैच में 1 ही मैच हारे हैं, तो 4 विन है भाई यहाँ पर, और गुजरात यहाँ पर देखा जाए तो 3 मैच हारे हैं भाई, 2 मैच जीते हैं, तो यहाँ पर गुजरात जेंट्स के पास वही मैं बताया आज के मैच में भाई, जो बेंगलुरु वुमेन खेल रहे हैं अगर वो हार जाती है तो गुजरात के पास मौका रहेगा, नहीं तो बाहर हो जाएगा भाई। की प्लेयर्स पे अगर मैं बात करूं दिल्ली वुमेन के लिए, मैगलानिंग, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगस, अलाइस कैप्सी, ये चारों प्लेयर काफी इंपॉर्टेंट है, और गुजरात के लिए बैटमुनी, एशली गार्डनर, पोएबी लिचफील्ड और तनुजा कन्वर रहने वाले हैं। तो ये जो 8 प्लेयर है भाई, ये 8 प्लेयर को आप टीम पे जरूर रखिएगा, चाहे जो भी लीग आप खेलते हो, ये 8 प्लेयर आपको ग्रैंड लीग जिता के जरूर देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूंगा भाई दिल्ली कैपिटल वुमेन और गुजरात वुमेन के बीच में जो डेथ ओवर्स बॉलर है, मारिजनी काफ है, शिखा पांडे है भाई, और यहाँ पर मेघना सिंह और तनुजा कन्वर है भाई यहाँ पर डेथ ओवर्स पे बॉलिंग पे। और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस पे बात करें, मैगलानिंग है भाई, शेफाली वर्मा, एलाइस कैप्सी और मारिजनी काफ, बैटमोनी, एशली गार्डनर, ये 6 प्लेयर को आप यहाँ पर जरूर टीम पे रखिएगा भाई। ये 6 प्लेयर्स आपको चाहे आप स्मॉल लीग खेलो, ग्रैंड लीग खेलो और यहाँ पर हेड टू हेड जो भी लीग आप खेलते हो भाई यहाँ पर, तो ये 6 प्लेयर को अगर आप टीम पे रखोगे, ये 6 प्लेयर को मैं स्टार मार्क भी दे रहा हूँ भाई यहाँ पर, तब ये 6 प्लेयर्स को आप जरूर टीम पे रखिएगा। और इसके साथ साथ ये 6 प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग जो भी लीग आप खेलते हो भाई, आपको जिता के यहाँ पर जिताने की क्षमता रखते हैं भाई। तो फाइनल टीम जो भी होगा भाई आपको वीडियो के बीच में शो होगा भाई यहाँ पर, तब ये वीडियो समाप्त होते आपको एक फाइनल टीम यहाँ पर वीडियो बना के दूंगा, कौन कौन सा प्लेयर को मैंने लिया, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं वहीं पर देने वाला हूँ भाई। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा भाई यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो भी मैचेस है उसको भी हम कवर करेंगे। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई। और यहाँ पर अगर आपको इसी प्रकार वीडियो चाहिए तो मुझे आप कॉमेंट में बताना भाई, क्योंकि काफी मेहनत हम लोग करते हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने में काफी टाइम लगते हैं भाई, लेकिन हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो आप जरूर वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। तो फाइनल टीम फर्दर अपडेट जो भी होते हैं भाई, वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, अगर लिंक ओपन नहीं होता तो आपको मैं ऑलरेडी प्रोसेस बता चुका हूँ भाई, @ जो हमारा यूट्यूब चैनल नाम है भाई, @SKTFantasy, उस प्रकार जाके सर्च करोगे तो मेरे चैनल्स हो जाएगा, तब जरूर ज्वाइन कर लेना। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।